राजमहल लोकसभा के 2020 बूथों पर मतदान हो रहे हैं। वहीं पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा विधानसभा के बूथ संख्या 40 और 43 में मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। यहां 2 बजे तक एक भी मतदान नहीं किया गया, जहां लोगों ने पीने के पानी की समस्या को लेकर विरोध जताया और मतदान का बहिष्कार किया। सूचना मिलने पर पहुंचे अधिकारियों ने आश्वासन दिया, जिसके बाद लोगों ने मतदान किया। हमारे संवाददाता धनंजय साहा ने ग्रामीणों से बात की और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। आइए सुनते हैं ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ धनंजय कुमार। अभी हम राजमहल लोकसभा के लिट्टीपाड़ा विधानसभा के ये गांडू पत्रा नामक बूथ में स्थित हैं और यहाँ पे पिछले अभी 2 बजे तक, दोपहर के 2 बजे तक एक भी मतदान नहीं हुआ था। फिर जिला प्रशासन की टीम आई और गांव वालों को कोई आश्वासन दिए, तब यहाँ के लोगों वोटिंग स्टार्ट किए और अभी यहाँ पर 858 वोटर हैं, जिनमें से मात्र अभी तक 109 वोटिंग हुए हैं। तो क्या समस्याएं हैं इस गांव की और क्या तकलीफ हो रही है इन लोगों को, थोड़ा इन लोगों से हम बातचीत करके जानेंगे, क्योंकि 2 गांव इस बार राजमहल लोकसभा के 2 गांवों के लोगों ने पूरी तरह से वोट का विरोध किया था और तब वहां प्रशासन की टीम आई, इन लोगों को आश्वासन दिए और फिर ये लोग वोटिंग स्टार्ट किए। तो हम देर ना करते हुए बातचीत शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? लोकना पहाड़िया। लोकना पहाड़िया, तो 2 बजे तक तो यहाँ पे एक भी मतदान नहीं हो रहा था, आप लोग क्यों वोटिंग वोट का क्यों विरोध कर रहे थे? हम लोग भी सड़क के बारे में, हम लोग रास्ता बहुत तकलीफ है जाने के लिए आने के लिए, डिलीवरी आदमी को बोल जाने का आने के लिए भी तकलीफ है और ये सड़क बारे में बहुत तकलीफ और पानी भी हम लोग पीने के लिए बहुत तकलीफ है। ये रोध का दिन में एकदम बहुत कष्ट करके हम लोग पीते हैं, इसी सब तकलीफ है, इसीलिए हम लोग वोट रोक करते हैं। तो प्रशासन की टीम आई तो क्या आप लोगों को आश्वासन दिया है? क्या आश्वासन देंगे, यही सब क्या बोल के गए हैं? तो यही सब हम लोग यही सब बोले हैं बड़े सब आगे, मैंने हमको वोटिंग दीजिए, हम लोग रोड भी बनाएंगे और पानी भी बनाएंगे, ऐसे बोल के। मतलब ये सब जो रोड की समस्याएं हैं, जो पानी की समस्याएं हैं और जो जो भी गांव में और कुछ समस्याएं हैं, इन सब को दूर करने का आश्वासन दिए हैं। हाँ, दूर कर। और कुछ लोग हैं, हम इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं 2 बजे के बाद मतदान शुरू हुआ है, अभी तक 109 वोटिंग हुए हैं। यहाँ पर महिलाएँ लाइन लगी हुई है और हम लोग कैमरामैन को बोलना चाहेंगे, इस साइड से देख सकते हैं पुरुष जो मेल वोटर हैं वो लोग इस साइड से वोटिंग कर रहे हैं। तो हम तो थोड़ा और बातचीत करने की कोशिश करेंगे ताकि इन लोगों की जो समस्याएं हैं उसको हम जान सके और समझ सके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा बोंगा फड़िया है। अच्छा, वोट का आप लोग क्यों विरोध कर रहे थे? हम लोग का वोट विरोध कर रहे थे, मैंने हम लोग का आने जाने में दिक्कत है, मैंने रोड नहीं है इसलिए हम लोग वोट रोके थे। इसके बाद हम लोग का रोड नहीं इसलिए हम लोग का पानी भी नहीं है पीने के लिए। इसके बाद देखिए रोड नहीं इसलिए हम लोग का डिलीवरी को ले जाने के लिए दिक्कत है। देखिए डिलीवरी हम लोग, मेरा ये बगनी था वो देखिए ले गए वहाँ माहौल बना, नीचे उतारें गाड़ी में चढ़ें उसका निकल गया जान। इसी तरह हम लोग का स्थिति है, इसलिए हम लोग इस बार अच्छा देख लेंगे इसको रोकेंगे तब हम लोग का काम हो सके, ऐसे हम लोग सोच करके हम लोग वोट रोके थे। तो यही सब हम लोग बोल करके, मतलब सड़क नहीं होने के कारण जो भी पेशेंट होते हैं उनको ले जाते हैं, तो आप लोग रास्ता में ले जाते जाते ही उनका जब प्राण चल जाता है। जी, तो कौन कौन आए थे यहाँ पर, जो भी प्रशासन की टीम हो, कौन कौन आए थे आपके यहाँ? BDO साहब, इसके बाद बड़ा अबू, DDC, ये लोग आए थे। ये लोग क्या बोल कर गए आप लोगों के गाँव में? यही बोल रहा था, मतलब हम लोग ये सब हम लोग का चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग करेंगे, ऐसे हम लोग को मैंने लिखित करके गया। अच्छा, ऐसा बोलकर गए हैं, तब आप लोग वोटिंग स्टार्ट? जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जोहान एमरम। क्या तकलीफ है आप लोगों को? तकलीफ देखिए सर, यहाँ 1951 से वोट होते आ रहा है और अभी तक जो रोड और पानी की सुविधा नहीं है। ये बूथ संख्या कितना है? बूथ संख्या 43 है। 43, अच्छा बोलिए। हम लोगों का मांग है कि रोड और हम लोगों को डीप बोरिंग पूरे, मतलब यहाँ जितना भी टोला है गांडू परता में, सब टोला में एक एक डीप बोरिंग होना चाहिए और रोड स्पेशल होना चाहिए। रोड नहीं होने के कारण देखिए बीमार होने के समय मरीजों को ले जाना,
और गर्भवती महिलाओं को भी जब अस्पताल ले जाते हैं तो ले जाने के समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी ऐसे भी हालत हो जाते हैं कि यहाँ जो है हम लोग का रोड देख सकते हैं कैसा क्या हालत है, यहाँ से उतरते उतरते है किसी का जान भी चल जाता, ऐसा तकलीफ है। हाँ ऐसा तकलीफ है। स्कूल है उन सब में पढ़ाई होता है आप लोगों का? स्कूल में तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम बाहर रहते हैं, तो स्कूल में पढ़ाई होती है नहीं होती है हमको नहीं पता, पर पहले तो होता था। तो आप लोगों को पानी और सड़क का बहुत दिक्कत है जिसके चलते आप लोग को वोट को रोके हुए थे ना? हाँ रोके थे। अच्छा, और एक लोग हैं लोग इनसे बातचीत करने की कोशिश करते, क्या नाम हो आपका? शिव पड़िया। आप इसी गांव के हैं? इसी गांव का है। क्या कुछ दिक्कत हो रहा था आप लोग जिसके चलते वोट को रोके? हाँ दिक्कत तो हो रहा था कि हमको रोड के लिए रोड नहीं रहने के कारण हम लोग मतलब डेली बारी आदमी को भी ले जाते थे, लेकिन एक आदमी उसका बागरी जो है उतारते उतारते गाड़ी में चढ़ा दिया और उस गाड़ी में चढ़ा के समय में ही उसका प्राण चला गया, तो उसको लौट के लेके आया। इसके बाद दो आदमी टांग के ले जाते जाते दड़ा का उत्तर बीच में ही जन्म दे दिया। इतना कष्ट है इसके कारण हम लोग माने वोट तो हमको रोकाते। 10 सालों से सांसद थे आपके विजय हंसदा, वो कभी आपके गाँव में आए थे? कभी नहीं आया था। कभी आप लोग देखे उनको? हाँ कभी नहीं देखे। आपके वीडियो साहब लोग कभी आए आते हैं इधर? आप लोग कभी नहीं, वीडियो भी नहीं आता है और विजय हंसदा भी नहीं आता है, मतलब अधिकारी लोग भी नहीं आते हैं और राजनेता भी कोई भी नहीं आता है। आज आप लोग वोट रोके तो सबको उठ कर सब उठ के आ गया है, लेकिन विजय हंसदा एक बार आया था लेकिन बोला कि मैंने अक्टूबर महीना का हम शुरुआत कर देंगे ये रोड वाटो ऐसे बोल के चला गया था, लेकिन अक्टूबर महीना पास हो गया अभी 8 महीना हुआ अभी तक उसका पता नहीं है, इसी लेकर के हम लोग सड़क पर हम लोग माने रोका वोट तो हमको रोका दिए हैं और हमको पीने का पानी नहीं है, इतना दिक्कत है। 4 टोला हम लोग का डी बोरिंग होना चाहिए, इसी कारण के लिए हम लोग माने रोका दिए। अभी आप लोग को आश्वासन देके क्या गया? देके दिए हैं, लेकिन बीओ साहब था और बीडो साहब था उसको भी आश्वासन दिए, डीडी साहब की उसको भी आश्वासन दे दिए हैं, मैंने वो मैंने बोला कि क्या जरूरत है, तो बोला आपके यही हम बोला है, वो तो ले के चला गया DDCP मोहन बोना से पहलमाड़ा तक 8 किलोमीटर ले के चला गया वो रोड का पानी के लिए? पानी के लिए नहीं, इसके बाद में या बड़ा बाबू उसको भी आश्वासन दे दिए है, आप तो थाना का आदमी है आप तो इसको देन देखभाल करने का आप नहीं है, तो हम बोले तो वो लोग भी लौट के चला गया। इसके बाद बीओ साहब और बीडीओ साहब आ गया आके उसको आश्वासन दे दिए, उसके बाद तो बीडीओ साहब बोलता तुमको ज़्यादा ऐसा करेगा तो हमको केस कर देंगे ऐसे बोलता था बीडीओ साहब, सामने हमको सामने भी बोला ज़्यादा बोलेगा तो उसको कौन ज़्यादा बोलेगा उसको हम केस करेंगे ऐसे बीडीओ साहब। ये कब बोल रहे? आज है बोला, यहीं बोला। तो करने का भी आप लोग को धमकी दिया, फिर हम आपको हम कभी जरूरत पड़ेगा हम काम नहीं करेंगे ऐसे बोला, क्यों ऐसे बोलते थे? आप बोलते कि नहीं जितना आप बोलिए लेकिन आप आपके पास जो काम पड़ेगा तो हम आपके पास हम जरूर जाएंगे, नहीं DDC के पास हम बेच देंगे, DDC को आप बोल रहे हैं DDC के ये आपको धमकी दिया था कि केस के पास हम बेच देंगे ऐसे बोलता था बीओ साहब, तो बीओ साहब बला बझा बुझा करके बोल के ले के दिया उठारो, अच्छा हम ये करवा देते हैं, अच्छा अगर आपको लिए सड़क नहीं है तो सड़क हम बनवा देते हैं और पीने का पानी भी नहीं है तो ऊँटो भी हम करवा देते हैं, तो जल्दी तो डी बरिंग नहीं होगा सड़क के कारण, सड़क होगा तब तो डी बरिंग होगा गाड़ी उठेगा, तो कुआं का हम कुआं खुदवा देंगे पहले, ऊँटो पीते पीते ही सड़क ठीक हो जाएगा तो एक डी बरिंग आपको हो जाएगा। पानी का और रोड का आश्वासन देकर गए हैं। हाँ। लेकिन आपके जो वीडियो श्रीमान मरांडी है वो आपको केस करने का धमकी दे रहा था। ठीक, बहुत बहुत बात नहीं, आपका काम नहीं करेंगे ऐसा करेगा तो ऐसा बोल रहा था, जो जरूरत पड़ेगा किसके पास जाएगा हम नहीं करेंगे ऐसे बोलता था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इन लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश किए कि ये लोग वोट पानी और कागज दे दिए थे उसको रिसीव करने के बोला था, रिसीव भी नहीं दिया था।
तो आप देख सकते हैं कि रफ्तार मीडिया की टीम एक ऐसी गांव पर आई है जहां के लोग सुबह मॉर्निंग 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट हुआ, लेकिन 2 बजे तक एक भी मतदान यहां के लोग नहीं दिए थे, पूरी तरह से वोट को रोके हुए थे। तो अभी 9 बजे से 2 बजे से वोटिंग स्टार्ट हुआ और यहां के जो गांव के लोग हैं ये लोग वोटिंग शुरू किए। ये बूथ संख्या 43 है और राजमहल लोकसभा के 2 गाँव या फिर 2 बूथ कहें हम लोग, एक कारी पहाड़ी और एक ये बूथ नंबर 43, ये दोनों बूथों पर जो है वोट को पूरी तरह से रोक दिए थे यहाँ के लोगों का। आरोप है कि हमारे यहाँ पे पानी की समस्या है, बिजली की समस्या, सड़क की समस्या है, तो इन कारणों से कई लोगों के जान चले जाते हैं जो भी हम लोग पेशेंट को लेके जाते हैं। ऐसे में ये देख सकते हैं कितने जो भी इस क्षेत्र के आदिवासी महिलाएँ हैं, जनजातीय महिलाएँ हैं PVTG की, ये लोग लाइन पर लगी हुई है और यहाँ पर वोटिंग कर रही है। अब यह देखा जाएगा कि आने वाले समय में क्या इन लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सकता है या नहीं। राजमहल लोकसभा में लिट्टीपाड़ा विधानसभा और बरहेट विधानसभा अत्यंत ही पिछड़ा है, जहां के लोग आज भी पानी, बिजली, सड़क और शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। हमारे देश के जो राजनेता हैं ये लोग कहते हैं कि हमारा देश को यहां से जापान से कंपेयर करते हैं, अमेरिका के देशों से कंपेयर करते हैं, लेकिन अगर हम लोग अपने ही देश के भीतर में इन ऐसी जनजातियों के ऊपर झांक के देखेंगे तो ये लोग आज भी श्रापित जिंदगी जी रहे हैं। वास्तव में अगर हम लोग देखें तो भारत देश में एक ऐसा वर्ग है आदिवासी जो आज भी श्रापित जिंदगी जी रहे हैं, तो ये हम लोग के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो अब देखा जा सकता है जो वीडियो हैं वो तो इन गांव के कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि केस करने का भी धमकी दिया गया था और कहीं DDC साहब भी आए थे जिले के और उन लोगों ने आश्वासन दिया कि आप लोगों की समस्याओं को हम जल्द से जल्द दूर करेंगे, और ये भी आरोप लगाया कि हमारे जो राजनेता थे वो बिल्कुल देखने भी नहीं आए कभी। वोटिंग के टाइम पर सब आते हैं कि हमें वोट दीजिए, लेकिन जीतने के बाद किसी प्रकार का कोई देखने के लिए नहीं आते हैं। तो ये हमारे इस राजमहल लोकसभा की हालत है, ये स्थिति है। अब देखना यह है क्या ऐसी गांव की समस्याओं को जो भी अधिकारी हैं, जो राजनेता हैं, क्या इन लोगों की जो भी समस्याएं इन लोगों को दूर करने में सफल हो पाते हैं या नहीं। तो हम आपके साथ इस एपिसोड में यहीं तक, इस न्यूज़ में यहीं तक। आगे का न्यूज़ देखने के लिए आप बने रहिए रफ्तार मीडिया में। कैमरामैन संजय के साथ मैं धनंजय कुमार, रफ्तार मीडिया। धन्यवाद।